जर्नेल चाहे, चाहे कोई मुल्ला चाहे, चाहे कोई लीडर चाहे, हमने किसी सूरत में इस खित्ते को इन मस्त सांडों की मैदान जंग नहीं बनने देना। और ये बात मैं इनके यहाँ पे कहता हूँ, अगर हमारे साथ ये रवैया रहा तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑपोजिशन लीडर से, फिर हम अपनी असेंबली यहाँ रखाएंगे इंशाल्लाह। कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बैठ के उस पर डिलिब्रेशन करे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर करे और उस पर साथ रुकनी बेंच उन्होंने बनाया है, बेहतर होता कि कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट उस पर डिलिब्रेशन करता। क्योंकि उस खत में मैं फिर उस पर रिपीट करता हूँ कि जज साहिबान ने जिस चीज पे रोशनी डाली है वो है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुदाखलत जज साहिबान के वर्किंग में, उनके काम में, लोअर जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के काम में मुदाखलत। और वो इसलिए कि कैदी नंबर 804 जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब को सजाएं दी जाएं और बुशरा बीबी को दी जाएं, शाह महमूद कुरैशी साहब को दी जाएं, चौधरी परवेज इलाही साहब को दी जाएं, मिलिट्री कोर्ट्स में जो हमारे तकरीबन 106 असारीन जो हैं वो आज भी पाबंद सलासल हैं, और हमारी यही डिमांड है कि वो सिविलियन कोर्ट्स में उनका ट्रायल होना चाहिए, ना कि मिलिट्री कोर्ट में, वो सिविलियंस हैं। और इसके साथ साथ हमारी खवातीन जो पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हजरात पाबंद सलासल हैं, उस चीज़ के ऊपर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी और हैं उनका डायरेक्ट उस खत में ये चीज़ लिखी गई है कि उनकी डायरेक्ट इंटरफेरेंस थी, जिसको हम लोग कंडेम करते हैं। ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ज़ेर कातिल है, हमारा मुल्क इस तरह तरक्की नहीं कर सकता। इसी सिलसिले के तनाजुर में मेरे बाएं तरफ यहाँ पे हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन हमारे अचकज़ई साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब खड़े हैं, जो कि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सदर हैं और हमारे पार्टीज का अलायंस बना है। और उस अलायंस का, जिसका तहरीक तहफ़ आईने पाकिस्तान के नाम से बलूचिस्तान में उसकी बुनियाद रखी गई, और अल्हम्दुलिल्लाह पिशीन के मुकाम पे और चमन के मुकाम पे तारीख साज वहाँ पे जलसे हुए, वहाँ पे पाकिस्तान के हक में नारे लगाए गए, पाकिस्तान के आइन के हक में नारे लगाए गए। हम लोग मोहब्बे वतन लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे तरक्की करे और आइन और रूल ऑफ लॉ यहाँ पे होना चाहिए, एक कानून और एक मुल्क। इसी तनाजर में हम लोग आज डिबेट करना चाह रहे थे। इसके साथ साथ हम लोग ये भी करना चाह रहे थे कि आज इस चीज़ को फिर दोहराएं कि 9 मई के ऊपर एक इंडिपेंडेंट कमीशन बने, जो कि दूध का दूध और पानी का पानी करे, जो कि सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो सामने लाई जाएं और ये फिक्टिशियस और झूठे केसेस जो हैं इनको ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ हमारा एक दो और पॉइंट ज़रूरी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हमारा ये एक सबसे अहम पॉइंट है कि चमन के मुकाम पर आपके आज भी तकरीबन हज़ारों लोग वहाँ पर धरना दिए हुए हैं, और हमने वहाँ पे महमूद खान अचकज़ई साहब की क्यादत में चमन के मुकाम पे वहाँ पे जलसा किया। उन लोगों को तकरीबन आपका 10 से 20 लाख लोग वहाँ पे मुतासर होते हैं, रोज़ाना 20,000 लोग वहाँ पे उस बॉर्डर क्रॉसिंग से अफगानिस्तान जाते हैं। पहले से हमेशा से पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड CNIC इस्तेमाल करके, जिसपे सब बायोमीट्रिक्स की सहूलियात मुयसर होती हैं, इस निगरान हुकूमत में एक जुम्बश कलम से उस चीज़ को ख़त्म किया और ये वहाँ पे लाजम कर दिया कि पासपोर्ट इस्तेमाल करें और वीज़ा इस्तेमाल करें। और पासपोर्ट अफसरों को मालूम है इस वक्त जो है वो नापैद हो चुका है, और वहाँ पे रिश्वत नादरा के लोग 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं, और हमने उनसे वादा किया था हम लोग फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये चीज़ उठाएंगे, और हमारे सदर अलायंस के महमूद खान अचकज़ई साहब भी इस पर बातचीत करेंगे। ये हमारे वो पॉइंट्स हैं और हम लोग इस चीज़ को पाकिस्तान की आवाम के सामने रखना चाह रहे थे। हमारे जलसों का सिलसिला करीब हम लोग अलायंस का इंशाल्लाह ताला कराची में होगा, जनूबी पंजाब में होगा, सेंट्रल पंजाब में होगा, आपका वेस्ट पंजाब में होगा, आपका शुमाली पंजाब में होगा, आपका KPK में होगा, और आपके जनूबी बलूचिस्तान के इलाकों में हम लोग ये मैसेज, ये पैगाम पाकिस्तान की यकजहती का, पाकिस्तान में अमन का, पाकिस्तान में कानून और आईन की बालादस्ती का मैसेज हमने हर जगह पहुंचाना है। ओवर टू यू प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अलायंस जैसे मोहतरम
अपोजिशन लीडर ने आपको बताया, न किसी फर्द के ख़िलाफ़ है, न किसी पार्टी के ख़िलाफ़ है, न किसी उसके ख़िलाफ़ है। कल ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बरसी के मौके पे बाज़ बातें मुस्बत अंदाज में की गई हैं कि भाई शोर शराबे से काम नहीं बनेगा, आए एक उस पर इतफाक़ करते हैं ताकि ये मुल्क चले। तो इतफाक़, मैंने साथियों से मशवरा नहीं किया, इतफाक़ का बेहतरीन पॉइंट यहाँ आइन की बालादस्ती है। बिस्मिल्लाह हम ऑफ़र करते हैं वो यूनानिमस रेजोल्यूशन लाएँ पार्लियामेंट में, अपोजिशन लीडर्स साइन करेंगे, हम सब साइन करेंगे, हम उसमें यह कह दें कि ताकत का सरचश्मा ये पार्लियामेंट होगी। पाकिस्तान की खारजा और दाखिला सियासत, तमाम सियासत यहीं से ओरिजिनेट होगी और पाकिस्तान की सियासत में अफवाज पाकिस्तान या एजेंसियों का कोई रोल नहीं होगा। जिस तरह उनका हल्फ कहता है यहाँ ये रेजोल्यूशन ही विल सपोर्ट, ये लीगली बात करेंगे, मैं पीछे से थालियाँ बजाऊँगा। आए बिस्मिल्लाह इस पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाते हैं। इसमें जनाब दो बातें ज़रूरी हैं, स्पीकर का रोल। स्पीकर न वो हवालदार है न हम रिक्रूट हैं कि वो किसी को खुश करने के लिए किसी को बोलने नहीं देता, किसी को बैठने नहीं देता। अगर वो तारीख में अपना नाम बनाना चाहता है, ही इज़ द स्पीकर ऑफ दिस हाउस, जब उसने स्पीकर का हल्फ लिया ही डजंट बिलोंग टू एनी पार्टी, वो इस पार्लियामेंट का कस्टोडियन है। मैं एक कागज लाया हूँ तारीख इंसाफ के, जो हम भी उसे पढ़ लेंगे। ये 1642 इंग्लैंड का वाक़ है। 1642 में बादशाह सलामत को, जबकि वो टकराव कर रहा था पार्लियामेंट से, 5 आदमियों को वो ढूंढ रहा था, उनके नाम इस कागज़ में हैं। वो वहाँ से आया बादशाह सलामत, उसने दरवाजे को ठोकर मारी, पार्लियामेंट में घुस आया और कहा कि वो आई थिंक द 5 बर्ड्स हैव फ्लोन अवे। स्पीकर, उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है, मिस्टर लिंथल, विलियम लिंथल, वो उतरा, उसने बजा लाए थरामात, गोंडे पे बैठा कि बादशाह सलामत, मैं यहाँ ना मेरी आंखें हैं ना मेरे कान हैं, या मैं वो कुछ सुनता हूँ जो पार्लियामेंट कहती है, या मैं वो कुछ देखना चाहता हूँ जो पार्लियामेंट देखती है, मेरी पार्लियामेंट में ऐसा कोई आदमी। ये 1640 की बात है। उसके बाद बादशाह वहाँ से भागा। तो ये मैं खूबसूरत करके साथियों को दूंगा। अब तक पार्लियामेंट खुद मुख्तार है। 1640 में जैसे अयाज भाई, अयाज बी ए गुड कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस। शाहबाज शरीफ मेरा दोस्त है, शाहबाज के दो मायने हैं। एक शाहबाज वो है जिसको ईगल कहते हैं, ईगल। ये कुरान करीम में बार बार इंसान को कहा जाता है, ज़रा अक्ल से काम लो, मेरी कुदरत की निशानी को देखो। ईगल तख्लीक में हैवान से नीचे है, लेकिन वो अटैक करता है हैवानों पे, भेड़ियों पे, बारहसिंगों पे, कुदरत के निशानियों के तौर पे। ये शाहबाज वो ईगल नहीं है। शाहबाज पश्तो ज़ुबान में, आज हमारी खुशकिस्मती समझें, पश्तून वतन के नुमाइंदे ये लोग हैं, ये अफरीदी कड़ा, ये सारे पीटीआई वाले, तारिक इंसाफ वाले, रबाब जिसको हम रबाब कहते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट पश्तून इंस्ट्रूमेंट है। इसको जिस उसको ज़रब दी जाती है उसको शाहबाज कहते हैं, जिससे तारों को ज़रब दी जाती है उसको शाहबाज कहते हैं। मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए इस रबाब को ऐसे टंग दो और स्पीकर साहब उस पर ऐसी उंगुलियाँ रखें कि इस रबाब से एक कौमी नगमा, ये देश हमारा है, हमें पास बान इसके, इस किस्म का कोई नगमा करें, हम सब उनको सपोर्ट करेंगे। गॉड ब्लेस यू। मैं एक सेगमेंट में अर्ज करता हूँ। देखिए, आज का इजलास बहुत अहम था जी। ये इजलास रिक्विजिशन हुआ था आर्टिकल 54(3) के तहत, और जब अपोजिशन 1/4 के सिग्नेचर करके इजलास रिक्विजिशन करे तो उसका एजेंडा वही था जिसके लिए हमने इस इजलास को रिक्विजिशन किया था, वो अदलिया की आज़ादी थी। लेकिन आपने आज का ऑर्डर ऑफ द डे देखा होगा, आपने एजेंडा देखा होगा, हुकूमत ने
कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते हुए, रूल्स 57, 54 और 86 की वायलेशन करते हुए फर्स्ट अप्रैल वाला एजेंडा आज रिपीट किया था, इसकी हम मजम्मत करते हैं। और ये इसलिए कि आज़ाद अदलिया हर हकूमत की एक सबसे पहला कंसर्न होना चाहिए, लेकिन ये शो कर रहा है कि वाकई ये फेक हकूमत है, इनका कोई कंसर्न नहीं कि अदलिया आज़ाद हो, इनको मलक कयूम जैसे जजेस चाहिए ताकि ये फ़ोन करके उनसे फैसले ले ले, इसलिए हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। हमने एहतजाज किया आसिफा भुट्टो के वोट पे, हमने एहतजाज किया आसिफा भुट्टो के वोट पे, ओथ पे हर पाकिस्तानी का एहतजाज बनता है। आपको यकीन दिलाता हूँ इन्होंने मौरूसी सियासत को परवान चढ़ाया, आपको यकीन दिलाता हूँ कि आसिफा भुट्टो को आज भी पता नहीं होगा कि वो किस कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके आई है। हमारे बंदे को अगवा करा के ये अनफोज होकर के आया है, ये पहला स्टेप इस बच्ची से दिलवाया गया रॉन्ग डायरेक्शन में, इसलिए हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। आपने आज हिस्ट्री बनाई, हकूमत ने कभी वॉकआउट नहीं किया, सबसे पहले इन्होंने कहा हम वॉकआउट करते, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली हकूमत है जो वॉकआउट कर रही है। और आज आपने सिर्फ आसिफा भुट्टो की ओद धलवा के वॉकआउट करके असम्बली खाली करवा के उसका एजेंडा ना चलवा के कौम का 6.5 करोड़ का नुकसान किया, दिस इज़ नॉट वर्थ इट। हम अपोजिशन के तौर पे अपना आईनी और कानूनी रोल प्ले करना चाहते हैं। जब से उमर अयूब खान साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन हुए हैं, हर मरतबा पॉइंट ऑफ ऑर्डर देते हैं, न सिर्फ ये कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाज़त नहीं मिलती, बात करने की इजाज़त नहीं मिलती, वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिस तरह इलेक्शन कमीशन हमें नहीं दे रहे थे इलेक्शन के दौरान, पोस्ट इलेक्शन इस असेंबली में पार्टिसिपेशन में भी वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते, या पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाजत नहीं मिलती, इजाजत मिले तो बात करने का टाइम नहीं मिलता। आज सिर्फ 2 घंटे डिस्कशन होना था रूल के मुताबिक, सिर्फ 2 घंटे का, आपने 2 घंटे इजलास लेट करवाया, 6 बजे आपने इजलास करवाया जबकि 4 बजे होना था, कौम का इतना नुकसान कर लिया। जब हम आते हैं तो बात करने की इजाजत नहीं देते, और बात कर भी दे तो आप म्यूट कराते हैं। हमने बारहा कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की उमंगों की तर्जुमानी करता है, 70% पाकिस्तानियों को मजाहमत पे मजबूर मत करना, अगर 70% पाकिस्तानी सड़कों पे आ जाएं तो आप समझे कि क्या होगा। हम आपसे आखिर में एक दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि नेक्स्ट पे कभी ऐसा ना करना पहले से कि जमहूरियत का नुकसान हो, हम किसी सूरत जमहूरियत का नुकसान नहीं देखना चाहते, लेकिन हम भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम भी चाहते हैं कि हम अपना रोल प्ले करें। क्यों आपने कौम का पैसा ज़ाया किया और आज का इलेक्शन किस तरीके से, आज का इजलास क्यों नहीं चलवाया? बिला आसिफा भुट्टो पे हम अपील करेंगे पूरा पाकिस्तान एहतजाज करें, हम तो ये ख़ानदानी सियासत के अगेंस्ट है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितना आज किया है, स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसको कस्टोडियन ऑफ द हाउस बन के असेंबली में रोल प्ले करना चाहते हैं ताकि हम भी आईन और कानून के मुताबिक अपना रोल प्ले करते हुए आगे बढ़ें। एक एक पर्सन एक एक करके आपस में यहाँ से शुरू कर दें, एक एक समझ आ रही क्या बात हो रही है, एक एक करके। अच्छा आप एक मिनट, जी जी फलस्तीन के मामले पे हम बात कर चुके, और जहाँ तक आसिफा का ताल्लुक है तो मैंने आपको कहा कि आसिफा अगर जीत के आ चुकी होती तो हम एक्सेप्ट करते, रिकॉग्नाइज करते। आसिफा भुट्टो को चैलेंज करता हूं, आज भी उनसे पूछे उसको नहीं पता होगा कैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होगा। आपने रेगुलेशन में इजलास बुलाया गया था, और बेसिकली आज आपकी जिम्मेदारी है कि कोरम को पूरा रखें, और ये पहले से कई बार हुआ है कि कमीशन की रेगुलेशन में जो इजलास होते हैं उसमें पूरे पार्टों कई दर्जनों मार जाते हैं, वो भाई दर्जनों मार जाते हैं आप करके, ये इनका एजेंडा यही था हमारा वाले एजेंडा। बेसिकली क्या आज आप फेल नहीं हुए अपने 66 बंदे, ये एजेंडा होना नहीं चाहिए था। बिल्कुल आपकी बात
को मैं यहाँ पे अग्री आपसे नहीं करता। हमारा रिक्विजिशन शुदा इजलास जो था उस पर हमने एजेंडा स्पेसिफिकली जजेस के लिए रखा था, जजेस के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए। स्पीकर के ऑफिस में जाके बैरिस्टर गौर साहब मौजूद हैं, हमारे चीफ व्हिप साहब मौजूद थे उस वहां पे, उनके सामने हमने लिखा, लिख के हमने वहां पे रिसीव कराया। और आज ये एक एजेंडा जिसका इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, ये इन्होंने रखा है। ये हकूमत, इनका कोई भी इस किस्म की सीरियसनेस है ही नहीं कि ये आइन और कानून की बालादस्ती करें। यहां पे शाहबाज शरीफ पीएम नहीं है, पीपीएम है, पपेट प्राइम मिनिस्टर, पपेट प्राइम मिनिस्टर, कठपुतली प्राइम मिनिस्टर पहले होते थे, एक कठपुतली के साथ तारे होती थी। आजकल ब्लूटूथ और वाईफाई का जमाना है तो वो वाईफाई और ब्लूटूथ पे चलते हैं। मसला ये है कहीं पे जैमिंग हो गई तो वो वहीं पे ढेर हो जाएगा, और इंशाल्लाह ताला अवाम की ताकत के साथ हमने उनके सिग्नल जैम करना वो करेंगे। वो कर रही जरा मैडम कर रही जी। जमहूरियत में उनका रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो लोग आपके दाएं बाएं उस पोस्टर में खड़े हैं वो आपको कैसे यकीन है इस बात का कि वो आपको आगे करते, पीछे से उनकी हिस्ट्री जो है जो पीछे से वो सात बार गैर सियासी कुव्वतों के साथ नहीं शुरू कर रही। पॉइंट पॉइंट आउट करें लोगों, किस किन की बात आप कर रहे हैं जो इस वक्त आपके दाएं बाएं खड़े हैं। बात ये है मेरे भाई, अच्छा सवाल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बुत बनाने वाले आदमी का बेटा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वालिद अजर बुत बनाता था, उसका बेटा सबसे बड़ा पैगंबर बना इब्राहिम खलीलुल्लाह। इस पे आप लोगों को कंडेम नहीं कर सकते। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी चली गई उस तरफ, बर्बाद हुई। दाऊद अलैहिस्सलाम की बीवी, बात यह है आप अजी एक बात यह है मेरे भाई, ये इस तरह गौर भाई ने कहा स्पीकर सब कुछ, तीसरी दफा स्पीकर बन रहा है, उसमें ये ताकत है उसकी, उसमें नहीं ज़ाती तौर पे, उसके ओहदे में ये ताकत है कि वो इस एजेंडे को रिजेक्ट करता कि भाई एजेंडा ये है, मेरे पास अपोजिशन के लिए लोग आए हैं, कौन से हमने गालियाँ देनी थी। जुडिशरी की आज़ादी, अगर वो यहाँ नहीं छोड़ेंगे हम जुडिशरी के लिए सड़कों पे आएंगे, हम सड़कों पे बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं, आप मिस्टर कीर तम उस मशहूर स्क्वायर को भूल जाएंगे, लाखों करोड़ों लोग इस शराए आइन पे यहाँ से लेकर वहाँ तक खड़े हो जाएंगे पार्लियामेंट के दिफा के लिए। डोंट पुश द पीपल टू द वॉल, हम किसी को कुछ नहीं कहना चाहते। यहाँ पे एक सेकंड सर, जो आपने मुतरमा बात की महमूद खान जगजई साहब से, तो मैं एक और बात इसको आगे बढ़ाऊँ कि ख्वाजा आसिफ ने बात की कि पुलिस वालों ने वारंट लेके वो अंदर नहीं गए और वहाँ पे फौज के साथ उनका वो तनाज़ा हुआ। मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे पीटीआई के साथियों, इन सारे जो मेरे साथी हैं, हमारे घरों में कोई पुलिस जो है वो वारंट फ्रेम करके और गुलदस्ते के साथ आई थी? कौन से वारंट के साथ आई थी? इसका मतलब है एक स्टैंडर्ड आप सेट कर रहे हैं कि जो मुजामत करेगा तो वो बल्ले बल्ले होगी। और दूसरी चीज़, हमारी डिमांड आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे होती और यहाँ से एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हम लोग ये डिमांड करते हैं कि यहां पे एक प्रॉपर सर्विंग जज हाईकोर्ट का भावलनगर के वाकये की इन्वेस्टिगेशन करे और उसको कैफर किरदार तक जो लोग उसके जिम्मेदारान हैं चाहे जो भी हैं उनको पहुंचाए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद नहीं है कि वो आपको जस्टिस दे सके? ये मैंने बात देखिए, जहाँ तक एक बात का हमें अदालत पे बिल्कुल पूरा एतमाद है, लेकिन ये हम यहाँ उठाना चाह रहे थे, पार्लियामान इज़ द बेस्ट प्लेस और जो रूल 86 है उसमें लिखा हुआ है कि आप उस पर बात कर सकते हैं। जहाँ मैडम ने जिक्र किया हुआ है, वी आर सो प्राउड कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद इंसाफ के लिए रखी गई है और आइन और कानून
की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, जिसके लिए इमरान खान साहब ने 27 साल स्ट्रगल किए। आज अगर वो जेल में हैं तो वो किसी डील न करने की वजह से हैं, आईन पे कंप्रोमाइज न करने की वजह से। सो वी आर सो प्राउड ऑफ दिस लेगेसी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अलायंस बनाया है, बट वी आर सो प्राउड ऑफ आवर पार्टनर। लेकिन हमने ये तहरीक शुरू की थी और हमारे साथ अपोजिशन पार्टी ने आके मिले हैं। हम वी आर सो प्राउड एंड सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। सवाल ये है, यहाँ पे मौजूदा हुकूमत जो है उनके काम पे टांग रही है, ये मेरा भाई है। यहाँ पे अहमद चट्टा साहब, इनके भाई फयाज चट्टा साहब सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज इनके घर के सामने चले जाएं तो पंजाब हुकूमत और वहां पे भी फॉर्म 47 वाली वजीर आला मरियम नवाज ने उधर जाके आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान मेडल शुदा, मेडल किसका, वो भी एक कॉम्प्रोमाइज शख्स है, कठपुतली है खुद, उसने जाके वहां पे इनको अरेस्ट करने की कोशिश की है। तो यहां पे ये आलम है कि पंजाब हो या बलूचिस्तान हो, सिंध हो, केपीके में हो, ये मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और वजीर आजम इमरान खान साहब को फेस करने की इनकी सलाहियत ही नहीं है। देखिए एक और चीज, सवाल ये है कि जो पाकिस्तान की जानिब से ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है इसराइल के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान बतौर रियासत यहाँ से जो मौके बनाया गया है उससे तहरीक इंसाफ मुतमईन है? देखिए वो फॉरेन पॉलिसी पे हम करते हैं, एक मुल्क का अपना राइट होता है, वो अपना राइट है, हर मुल्क के दिफा का एक राइट है, पर हम सारी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौके भी यही है कि हम नहीं चाहते कि इलाके में एस्केलेशन हो और यूएन को रोल प्ले करना चाहिए कि एस्केलेशन हो। जब लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी शिस्त पर खड़े होते हैं जी, तो स्पीकर ने फ्लोर देना होता है। एक तो आज भी हमने देखा है कि उमर अयूब साहब को फ्लोर नहीं दिया। दूसरा आप ये बताइएगा कि हुकूमत आज बागी है या उसे पागले पर नहीं। बात ये है, देखिए ये पाकिस्तान के करोड़ों आवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट है। अगर अपोजिशन का सिर्फ एक आदमी भी हो, सिर्फ एक आदमी भी, तो वो अपोजिशन समझा जाता है और उसको बोलने का हक दिया जाता है। हम यहाँ कौन से तमाशे करने हैं, ये दुनिया क्या कहेगी? जो लोग जमहूरियत को डिरेल करना चाहते हैं वो क्या कहेंगे? इमरान खान की नानबी की बात हो रही है, आप सब गवाह हैं। NRO क्या था? पार्लियामेंट को बचाने के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, यहाँ एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील के लिए लंदन में मुज़ाकरात हो रहे थे। 36 पार्टियाँ उसमें शामिल थीं, 36 तहरीक इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी, जितनी अब के नाम है सब थे। यहाँ से मुशर्रफ साहब ने बेनज़ीर बीबी को पैगाम भेजा, बेनज़ीर को किसने इस तरह पर ले गया, वो भी छात्र सियासतदान थी, खुआ उनको बख्शे। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ 25 साल के केसेस सारे विड्रा कर दें। NRO को अप्रूव नहीं किया गया नेशनल किसी उस हमारे इदारे में जी, सुप्रीम कोर्ट नहीं, नेशनल सॉरी जी। बाबा जवाब, बाबा वो नहीं, बात खत्म होने दें, बात खत्म हो आपकी बात। 9000 बैठो यार, 9000 क्रिमिनल केसेस वर विड्रॉन, जिसमें कत्ल के, डाके के, लोगों को मारने के, अगवा करने के, पीटने के 9000 केसेस विड्रा हुए। इमरान खान जो भी था, आज वो इस पार्लियामेंट का बहुत बड़ा लीडर है, इसकी बहुत बड़ी पार्टी है। जिन बुनियादों पे NRO दे के 9000 केसेस विड्रा किए गए हैं, 9 मई में क्या हुआ है? क्या आसमान गिरा है 9 मई में जो उस वक्त नहीं गिरा था? आपने 9000 क्रिमिनल केसेस, आपका दिल चाहे या ना चाहे, आपने 9 मई और इमरान खान की जेल के तमाम केसेस विड्रा करने होंगे। इस पार्लियामेंट में विड्रा, द सूनर द बेटर, आप विड्रा करेंगे, रिकंसिलेशन का रास्ता निकल आएगा। हम किसी से कोई नहीं, कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो। हमने तहरीक शुरू की है आइन के दिफा की, इस पर हम अपील करते हैं उन तमाम जर्नलिस्टों से, उन तमाम जजों से, उन तमाम जर्नलों से, उन तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट से जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, ज्वाइन आवर रैंक्स।
आए, हमें बताएं, हमें मशवरा दें, हमारे रैंक में शामिल हो ताकि हम पाकिस्तान की तश्कीलें नौ करें। आप नहीं चला सके, आप नहीं चला सके 75 साल। आपने हमें गदार कहा, गदार की डेफिनेशन आर्टिकल 6 में आइन ने कर दिया, द मैन हु एब्रोगेट्स सस्पेंड्स और गड़बड़ करता है ही इज मुलजिम ऑफ हाई ट्रीजन। ये गदारी हमने कम से कम नहीं की, जिन्होंने की है वो इस मुल्क के मामे बने हुए हैं, हम उनको ये बनने नहीं देंगे। हम यहाँ आवाम की बादशाही। खान साहब, लास्ट क्वेश्चन लीडर, आप बताइएगा जो आज हुआ आपके साथ, आपका रवैया क्या होगा, आइंदा और रद्द अमल क्या होगा? नंबर वन, नंबर टू, चूंकि सऊदी अरब मैशत को संभाला देने के लिए डेलीगेशन आया हुआ है, बड़े सीरियस लेवल पे आपकी स्टेटमेंट चाहिए इसके ऊपर, क्या तरीके साहब करेगी? सबसे पहली चीज, आखिरी क्वेश्चन आपका मैं पहले करूंगा, जो इन्वेस्टर पाकिस्तान में आना चाहता है, सऊदी अरेबिया हो कोई भी मुल्क हो, उसको हम लोग मुल्क के लिए वेलकम करते हैं। हम लोग चाहेंगे कि वो सरमायाकारी करे पाकिस्तान में, और जहां पे सरमायाकारी करे तो वहां के जिस सूबे में करे उन सूबे के लोगों को वहां पे फायदा होना चाहिए, या बलूचिस्तान में होता है तो बलूचिस्तान के लोगों को फायदा होना चाहिए, क्योंकि ये सब, या केपी में होता है केपी के लोगों को, सिंध में होता है सिंध के लोगों को, पंजाब में होता है पंजाब के लोगों को फायदा होना चाहिए। ये सारी की सारी फेडरेशन की इकाइयां हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो इन्वेस्टर आते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कानून में सबसे पहली चीज सिखाई जाती है कि उस मुल्क में, चैप्टर 1 में सिखाया जाता है कानून में, उस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती देखें कि वहां पे वो इम्पोज हो रही है नहीं हो रही। वो मैं आप मीडिया हजरात पे छोड़ता हूं कि यहां पे तो हकूमत के पास वो आईन और कानून बालादस्ती का नाम और निशान ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, हमारा रद्द अमल क्या होगा वो आप देखेंगे इंशाल्लाह, हमें तो हुकूमत फेस ही नहीं कर पाएगी। एक बात हम भूल गए मेरे भाई, एक बात हम भूल गए, हम सबकी जिम्मेवारी है, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। हमारे खित्ते में दुनिया के जो मस्त सांड हैं वो यहाँ एक जंग लाना चाहते हैं। ये हमारे ईरान के हुक्मरानों की, अफगानिस्तान के हुक्मरानों की, पाकिस्तान के हुक्मरानों की अकल का इम्तिहान है। हमने किसी सूरत में, चाहे कोई जर्नेल चाहे, चाहे कोई मुल्ला चाहे, चाहे कोई लीडर चाहे, हमने किसी सूरत में इस खित्ते को इन मस्त सांडों की मैदान जंग नहीं बनने देना। और ये बात मैं इनके बयान पे कहता हूँ, अगर हमारे साथ ये रवैया रहा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑपोजिशन लीडर से, फिर हम अपनी असेंबली यहाँ रखाएंगे इंशाल्लाह।